नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। मुरैना में केंद्रीय शासन की अति महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के रूप में समस्त महिलाओं को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए शासन ने निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किया गया, लेकिन गैस एजेंसियों के द्वारा इसे अवैध कमाई का साधन बना लिया, जिसका ताजा तरीन उदाहरण कैलारस नगर में स्थित धाकड़ गैस एजेंसी पर देखा गया है। कि एजेंसी के संचालक रामगोपाल धाकड़ के द्वारा गरीब हितग्राहियों से अवैध रूप में 200 से 500 रुपए की वसूली की जा रही है और ऐसे और एजेंसी के संचालक द्वारा नोटरी और को शपथ पत्र के नाम पर हितग्राहियों को बरगला कर धमका कर अवैध वसूली की जा रही है। जो हितग्राही वसूली नहीं देते हैं उस हितग्राहियों को डीसीओं का चक्कर लगाने पड़ते हैं। आखिर थक हार कर हितग्राही रुपए देने को मजबूर हो जाता है और उज्ज्वला योजना के नाम पर अवैध वसूली को रोकने के लिए शासन और प्रशासन मौन बैठा है। हाँ दादी, क्या नाम है आपका? सोनू। आप भी गैस लेने आई हैं? गैस लेने आई हूँ। किस गांव की निवासी हैं आप? रतनपुरा के। रतनपुरा, क्या हुआ आपको, गैस क्यों नहीं मिल पा रही है? रुपया मांग रहे। कितने? रुपया कितने मांग रहे हैं? 500 रुपया मांग रहे हैं गैस वाला? नाम हमारा, क्या नाम है आपका? तेजवती। किस गांव की निवासी हैं आप? रतनपुरा। आप भी रतनपुरा की निवासी हैं? हाँ। आपको गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा है? कागज बता रहे हैं, गैस जमा करना रहे, 500 रुपया मांग रहे हैं। 500 रुपए मांग रहे हैं? हाँ। ये संचालक गैस एजेंसी के दुकानदार कागज लिया है, 500 रुपए जमा करेंगे तब तुम्हारी वो मिलेगी गैस। 500 रुपए जमा करेंगे तब गैस मिलेगी? तब मिलेगी। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव की निवासी हैं आप? आप गैस एजेंसी पे आई हैं गैस सिलेंडर के लिए, क्यों नहीं मिल पा रही है आपको गैस? 500 रुपया मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है आपसे पैसे? फार्मलाई तेला मांग रहे हैं। अच्छा, गैस एजेंसी वाले। 500 रुपए के बगैर आपको गैस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अभी जो आपने शपथ पत्र दिखाया बिना स्टाम्प का, वकील ने इसमें कितने रुपए लिए? ये वकील ने कितने रुपए लिए? 60 रुपए। इसमें स्टाम्प तो है ही नहीं, किस बात के वकील ने पैसे मांगे? क्या कहा, शपथ पत्र का या नोटरी का, क्या कहा? जानकारी।